पाकिस्तान से वापस नहीं मांगेगा और इससे वेंटिलेटर पर पड़ी पाकिस्तानी मईशत को कुछ सांसें और मिल जाएंगी, मगर इसके बावजूद डिफॉल्ट का खतरा टलता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मुल्की एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड कमी देखने में आ रही है। रही सही कसर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है इससे पूरी हो रही है, जबकि IMF का वफ्द भी पाकिस्तान आने में देर कर रहा है। मुल्की मईशत को लेकर कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं। फिच, मूडीज और दीगर आलमी इक्तसादी इदारे हमारी मईशत की जो रेटिंग है उसको कम कर रहे हैं। आए रोज़ मौशी माहरीन ये खदशात जाहिर करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं कि किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है। तहरीक इंसाफ भी ये बयानिया बना रही है। सिर्फ यही नहीं, मौजूदा हुकूमत के साबिक वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल भी अपनी ही हुकूमत पर एतराज़ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और मौजूदा मुल्की मईशत की रफ्तार और हालात पर तहफ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। और जो मौजूदा वजीर ख़जाना है वो अपने ही साबिक वफाकी वजीर ख़जाना से पिछले 7 महीनों का हिसाब और जवाब मांग रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 7 अरब डॉलर की सतह तक नीचे गिर गए हैं और आइंदा साल जून में पाकिस्तान ने कर्ज़ की अदायगियाँ भी करनी हैं और अगर IMF से कर्ज़े की किस्त नहीं मिलती तो हालात मज़ीद मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन वज़ीरे ख़जाना इसहाक डार ये कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं भी देता उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो मुतमईन है कि ना तो हम डिफ़ॉल्ट करेंगे और ना ही मईशत इस हद तक नीचे गिरेगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीरे ख़जाना का इत्मीनान उस वक्त भी हमें नज़र आया जब वो कहते हुए नज़र आए कि IMF की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है, हम खुद ही अरेंज कर लेंगे। नाज़रीन, IMF कर्ज़ के अलावा एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जिसके बग़ैर जो है वो आपके जो हमसाया मुल्क हैं वो भी कर्ज़े नहीं देते या देते हैं तो ठीक ठाक इस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो सवाल ये है कि मोहतरम वज़ीर ख़जाना के पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जिसे घुमाने से IMF के बग़ैर ही सारे बंदोबस्त हो जाएंगे। पाकिस्तान में ज़मीनी हकायक पर अगर हम नज़र डालें तो स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान है, जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। सारे मौशी मसाइल और अलार्मिंग फिगर्स होने के बावजूद हुकूमती जो है वो लोग जो हैं वो मुतमईन हैं। हुकूमत पेट्रोलियम प्राइसेस पर IMF से लड़ने का इरादा तो रखती है लेकिन कीमतें बढ़ाना भी नहीं चाहती है, जो जायज़ बात है क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोलियम प्राइसेस पहले ही महंगाई की एक बहुत बड़ी वजह बने हुए हैं। फिर ऐसे में क्या IMF मान जाएगा? और फिर ऐसे में जब डार साहब कह रहे हैं कि उन्हें आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है IMF की, मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मायरे मौशा डॉक्टर फारूक सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, IMF जिस पर हम इतना डिपेंड करने लगे हैं कि IMF की पॉलिसीज आएंगी तो पता चलेगा किसको सब्सिडी देनी है नहीं देनी है, महंगाई होनी है नहीं होनी, सब कुछ डिपेंड करता है ना, इवन कि आपका बजट भी वहाँ की पॉलिसीज के बगैर बन नहीं सकता। ऐसे में डार साहब का ये कहना कि आई डोंट केयर, वो देते हैं ठीक है, वफ्द आता है ठीक है, नहीं तो हम खुद अरेंज कर लेंगे, क्या ये इतना आसान है जितना आसान करके बताया है डार साहब ने? शादिया, दो चीज़ें हैं, एक तो IMF का आपने जिक्र किया लेकिन आपने डिफॉल्ट का और दिवालियापन का बार बार अपने इब्तदाइये में जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कुछ वजाहत करना ज़रूरी है बेशतर इससे कि मैं IMF के ऊपर आऊँ। देखिए, डिफॉल्ट मुल्क उस वक्त करता है जब वो अपने किसी कमर्शियल डेट की या बॉन्ड की पेमेंट ना कर पाए। पाकिस्तान में कैटेगोरिकली ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट में जाने का अभी किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है और उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर जो टोटल बैरूनी कर्जा जात हैं वो तकरीबन 130 या 135 अरब डॉलर के हैं और उसमें से सिर्फ 9 बिलियन डॉलर के कर्जा जात ऐसे हैं जो हमने बॉन्ड की शक्ल में ले रखे हैं। एक बॉन्ड मेच्योर हो रहा है दिसंबर की 5 तारीख को और उसकी मुकम्मल पेमेंट जो है वो हुकूमत मुख्तस कर चुकी है, उसमें किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट मतवक्के नहीं है, वो पेमेंट फुल हो जाएगी प्रिंसिपल की भी और इंटरेस्ट की भी। उसके बाद सन 2023 के अंदर जो कैलेंडर ईयर है कोई भी पाकिस्तान का बॉन्ड जो है वो मेच्योर नहीं हो रहा, तो अगर बॉन्ड मेच्योर नहीं हो रहा तो उसका मतलब है कि कोई डिफॉल्ट भी होने वाला नहीं है। जो नेक्स्ट पेमेंट ड्यू हो रही है बॉन्ड की मद में वो 15 अप्रैल सन 2024 को नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो मेच्योर होगा $1 बिलियन का। तो ये तो पक्की बात है कि अगले 16 महीने बॉन्ड्स के हवाले से किसी किस्म का कोई डिफॉल्ट होने नहीं चला, ये बात तय कर ले। जो मल्टीलेटरल होते हैं यानी कि IMF से कर्जा आता है, जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा आता है, उनमें डिफॉल्ट नहीं होता, वो यूजली जिसको हम कहते हैं रीस्केजुलिंग यानी कि उसकी एक तारीख का तायुन कर लिया जाता है।
तो वहां पर डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट सिर्फ बॉन्ड की शक्ल में होता है। और बॉन्ड जो है वो मैंने जैसे कहा कि 2024 से पहले पाकिस्तान का कोई बॉन्ड मेच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट नहीं होने चला, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता सकता हूँ। अब आ जाइए आईएमएफ के ऊपर, बहुत ही सीरियस इशू है। नहीं, अब जरा इसी पे डिफॉल्ट पे बात कर लेते हैं ना। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई भी है, आम आदमी की जिंदगी ज़ाहिर है मुश्किल हुई हुई है। जब हमें पीटीआई फिगर्स बताती है वो कुछ और होते हैं, हुकूमत फिगर्स बताती है कुछ और होते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो तहरीक इंसाफ ने एक डिफॉल्ट को लेकर बयानिया बनाया हुआ था, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की किताबों में है या उनके फिगर्स में है या उनके नंबर्स में है, रियलिटी में ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्लियर कर दें कि बनाया हुआ बयानिया है डिफॉल्ट का, इसमें कोई हकीकत नहीं है। देखिए, वो उनका सियासी बयानिया है, मैं आपके सामने हकायक रख रहा हूँ जो हुकूमती किताबों में, जो स्टेट बैंक की किताबों में, जो आईएमएफ की किताबों में, जो पक्के हकायक कर दिए गए हैं कि जो बॉन्ड्स हैं वो तकरीबन 9 बिलियन डॉलर के हैं। उनमें से जो दिसंबर की 5 तारीख को मैंने आपको बताया, उसकी पेमेंट मुकम्मल कर दी जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक मुकम्मल बख्तस अमाउंट कर दी गई है, वहाँ डिफॉल्ट नहीं होगा। जो हकीकत है वो ये है कि 2023 का पूरा साल जो है, कैलेंडर ये जिसको हम कहते हैं, उसमें पाकिस्तान का कोई भी बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा। तो अगर बॉन्ड मैच्योर नहीं हो रहा तो फिर दिवालिया या डिफॉल्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसी सूरत में जब सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को दिए गए 3 अरब डॉलर की अदायगी में उन्होंने मजीद एक्सटेंशन दे दी है ना, तौसी कर दी है, तो ये सिचुएशन तो ज़ाहिर है डिफॉल्ट वाली तो नहीं है। जी, जो आप जिस 3 बिलियन डॉलर की बात कर रही हैं वो बाइलेटरल डेट है, वो कमर्शियल डेट नहीं है, यानी कि वो हमें किसी दूसरे मुल्क ने दे रखा है। सही। बाइलेटरल डेट में यूजली डिफॉल्ट नहीं होता, वहाँ पे भी रीस्केड्यूलिंग होती है, जो हमने देखा कि अभी पाकिस्तान के मामले में हुई है। ये 3 अरब डॉलर जो है ये पुराना कर्जा है, ये हमने वापस करना था और इस कर्जे की वापसी की तारीख के अंदर तौसी कर दी गई है, जिसको हम रीरोल, जिसको हम रोल ओवर कहते हैं या रीस्केड्यूलिंग कहते हैं। तो बॉन्ड जैसे मैंने कहा उसमें सिर्फ डिफॉल्ट का खतरा होता है, तो 2023 में पाकिस्तान का कोई बॉन्ड जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा, तो डिफॉल्ट ठीक ये, 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 ये क्लियर करें। ठीक हो, अब अगर आईएमएफ पे आ जाएं कि आईएमएफ के मामला कितने गंभीर हैं या इतने आसान है जिस तरह डार साहब बता रहे हैं। आईएमएफ का मामला बहुत ही संगीन है, आईएमएफ का मामला बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मेरे मौकफ यह है कि इस वक्त हमारे पास आईएमएफ के अलावा और कोई कश्ती ऐसी नहीं है जो इस तूफान में हमें डूबने से बचाएगी। जितने भी ममालिक हैं, हमने पहले भी देखा कि चाइना भी ये कहता है कि अगर मेरी मदद आपको चाहिए तो पहले आप आईएमएफ की जो सर्टिफिकेशन है वो लेके। सऊदी अरेबिया ने भी पिछले साल यही इसी चीज़ का इजहार किया कि पहले आपको आईएमएफ की शराइत पूरी करनी होगी, पहले आपको आईएमएफ का हिस्सा बनना होगा, उसके बाद आप। तो ये डार साहब फिर इतने इजी क्यों हैं, वो इतना इजी फील क्यों कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो मेरा जाती तजिया है आईएमएफ और पाकिस्तान के ताल्लुकात के दरमियान, मुझे लगता है कि ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हैं। जो आईएमएफ की शराइत के ऊपर हमने साइन किए थे, मिफ्ता इस्माइल साहब साइन करके गए थे, उससे पहले शौकत तरीन साहब ने साइन किए थे, आईएमएफ की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं, जो शराइत हैं, वो बदली नहीं है, वो प्रोग्राम का हिस्सा है। मैंने ये देखा है कि पिछले 2.5-3 सालों में जब भी एक नया वजीरी खजाना आता है तो वो एक आप समझिए कि नए किस्म के नारे बुलंद करता है, उसके नारों के नतीजे में आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो ख़तरे में पड़ जाता है, वो सस्पेंड हो जाता है, और फिर कई या कुछ महीने गुजरने के बाद हमें वापस उसी प्रोग्राम में जाना पड़ता है और मजीद नुकसान उठाने के बाद। अभी आईएमएफ वैसे ऐसी क्या उनकी कंडीशंस हैं, क्योंकि अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है ना, अवाम तो उसी तरह महंगाई की चक्की में भी पिस रहे हैं, ज़िंदगी उनके आम आदमी के लिए तो आसान नहीं है। तो ऐसी आईएमएफ की कौन सी कंडीशंस हैं जिसे मौजूदा हुकूमत या डार साहब जो हैं ये मानने से इनकारी हैं? 3 या 4 हैं, ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने के बगैर। पहली बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि आपकी जो आमदन और आपके जो हुकूमती अखराजात हैं उनमें जो फ़र्क आ रहा है वो जो वायदा किया था उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि तकरीबन 855 अरब रुपए का डिफरेंस आ रहा है
और IMF ये कह रही है कि उस 855 बिलियन रुपीस को जो फर्क आ रहा है उसको आपने किस तरह पूरा करना है, हमें कोई तजवीज दी जाए। जो आसान तरीन तजवीज है वो ये है कि मजीद टैक्स लगाए जाए पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, जो हुकूमत के लिए आसान तरीन तरीका होता है वसूल करने का, हुकूमत शायद वो करने के लिए तैयार नहीं है। IMF ये कह रही है कि वजारत खजाना ने जो सब्सिडी का ऐलान किया है पाकिस्तान की एक्सपोर्टर्स के लिए, जो 19 रुपए और 99 पैसे का शायद ऐलान किया था, वो हुकूमत उसमें नुकसान उठा रही है क्योंकि हुकूमत की अपनी जो कॉस्ट है बिजली की वो उससे कहीं ज्यादा है, तो ये सब्सिडी हुकूमत को जस्टिफाई करनी होगी कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। जो यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है उसके ऊपर भी IMF का तकाजा ये है कि वो बताएं कि वो जो सब्सिडी दी जाएगी उसकी रकम कहाँ से आएंगी। फिर उन्होंने एक इजाफी ऑडिट का दरख्वास्त की है, ये शर्त लगाई है कि जो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, जो हुकूमती इदारे हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, उनका एक स्पेशल ऑडिट किया जाए। उसका हमारे जो ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने इनकार कर दिया है। तो ये 3 या 4 बड़े डिफरेंसेस हैं IMF और पाकिस्तान के दरमियान। तो ये जो आमदनी और अखराजात वाला मामला है, क्या ये बात दुरुस्त है कि हुकूमती जो अखराजात हैं वो इस माद में ज़्यादा पैसे निकल रहे हैं, सूद की अदायगियों में बहुत पैसे जा रहे हैं, कर्ज़ की अदायगियों में पैसे जा रहे हैं, एक तो आवाम को इस वजह से रिलीफ नहीं मिल रहा, तो क्या ये जो डेफिसिट है, जो फ़र्क है, ये इस वजह से ज़्यादा बढ़ा है कि आपके पैसों का ज़्यादा हिस्सा जाए कर्ज़ों की और सूद की अदायगी में जा रहा है? जी, हुकूमत का मौकफ ये है कि सैलाब के नतीजे में हुकूमत के अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। IMF का कहना ये है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं अगर उसको आप साबित करके दिखाएं, हमारे सामने रिपोर्ट्स पेश करें कि हुकूमत के अखराजात बढ़ने की वजह क्या सैलाब के ऊपर इजाफी रकम खर्च है या नहीं, वहाँ पे मुझे महसूस ये हो रहा है कि एतमाद का कोई फुकदान है IMF और हुकूमत पाकिस्तान या वजारत खजाना के दरमियान। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप देखें ना, प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी सुकड़ता जा रहा है, जितनी भी बैंकों से कमर्शियल बैंकों से बोरिंग है वो सारी हुकूमत करती जा रही है, और फिर आप अपना वो शरह सूद देखें इंडिया में कितना कम है, 5% इंडिया में है, बांग्लादेश में 5.75 है, पाकिस्तान में 16%। प्राइवेट सेक्टर के लिए तो कुछ बचता ही नहीं है ना, जो पैसे हैं वो सारा हुकूमत ले जाती है, अगर प्राइवेट सेक्टर ने उठाना भी है तो वो इतने ज़्यादा शरह सूद पर कैसे उठा सकता है? जी, ये आपकी बात दुरुस्त है लेकिन ये बात पिछले कई सालों से ये डिफरेंस जो है वो चल रहा है। दुनिया भर में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बहुत ही तेजी से जो शरह सूद है उसको बढ़ाया है इस कोशिश में कि वो महंगाई को कंट्रोल कर पाए। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक ने कोई मुख्तलिफ काम नहीं किया, उसने भी वही काम किया है जो बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक जो हैं वो कर रहे हैं, और एक नतीजा उसका अभी हमें लेटेस्ट जो अदाद शुमार आए हैं उसमें नज़र आता है कि स्टेट बैंक ने अगर बड़ी तेज़ी से सूद की शरह बढ़ाई है तो उसके नतीजे में कोई 2.5-3% जो महंगाई की शरह थी वो कम ज़रूर हुई है। तो शरह सूद बढ़ाने की जो बात है वो दुनिया भर में चल रही है, पाकिस्तान कोई अलग से काम नहीं कर रहा जो कि बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक ना कर रहे हैं। सही डॉक्टर साहब, एक बड़ा रौला तो हमारे यहाँ यही रहता है कि मुल्क से डॉलर चला जाता है जब आपने इम्पोर्ट करनी है लेकिन आता नहीं है, ज़ाहिर है आपकी एक्सपोर्ट ही नहीं होगी तो डॉलर कैसे आएगा? तो जब बिजली इतनी महंगी होगी, सनतें आपकी काम नहीं करेंगी, महंगाई इतनी होगी, आप रिलीफ नहीं देंगे अपनी इंडस्ट्रीज़ को, तो आपका डॉलर कैसे आएगा, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेंगी? फिर जो एक हम डेफिसिट की बात करते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में, वो तो बढ़ता चला जाएगा, ऐसे में हुकूमत भी तो फंस जाती है ना। अगर IMF की मानते हैं बिजली आपको महंगी करनी पड़ती है, बिजली महंगी करेंगे तो आपकी इंडस्ट्रीज़ कैसे चलेंगी, आपका एक सनतकार क्या जो है वो करेगा? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि IMF ने आज तक कभी भी किसी मुल्क के ऊपर ये शर्त नहीं लगाई कि आप अपनी बिजली का रेट बढ़ा दें, पाकिस्तान के ऊपर भी कोई ऐसी शर्त नहीं। IMF ये कहता है कि आपने पिछले साल बिजली के शोबे के अंदर कोई 528 अरब रुपए का नुकसान किया है, जिसमें बिजली की चोरी है, जिसमें महंगी बिजली है। IMF ये कहता है कि आपको जो कॉस्ट कर रही है बिजली आप उतनी ही चार्ज करें,
अब अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है चोरी रोकने में, अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है वो बिजली की जो जिस कीमत पे वो बिजली ले रही है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से, तो फिर हुकूमत मजबूर हो जाती है बिजली के रेट बढ़ाने। मैं कई ऐसे एग्रीमेंट खुद से पढ़ चुका हूँ IMF और दूसरे ममालिक के दरमियान। IMF ये नहीं कहती एक्सप्लिसिटली आपको कि आप अपना रेट बढ़ाएं,